एक फंडामेंटल सवाल देखिए अब इस फॉर्म को उठाना पड़ेगा। पहला सवाल यह है कि ये सारे खुदकुश हमले कौन कर रहा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक हेड है, इसकी एक आइडियोलॉजी है जिसने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, और सिर्फ आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ, पाकिस्तान की आइडेंटिटी के खिलाफ, पाकिस्तान की शनाख्त के खिलाफ। और इस वक्त दुनिया में हमारे दुश्मनों को मजीद किसी और एसेट की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करने के लिए, सिवाय इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और ग्रुप के जो उनका ज़ायनिस्ट का, चाहे वो इसराइलीज हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो किसी एस्पेक्ट से हमारे दुश्मन हो, ये उनके इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वी शुड बी वेरी क्लियर किसकी तरफ निशानदेही है। मैं आपकी बिल्कुल बराह रास्त बात कर रहा हूँ इस वक्त बैतुल्ला महसूद की। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अफगान तालिबान जिनके खिलाफ वॉर ऑन टेरर में सो कॉल्ड पिछले कई बरस से हम अमेरिकन्स का साथ देते रहे हैं, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के अंदर लोकल मिलिटेंट्स में फर्क है। वी हैव टू मेक दिस डिस्टिंक्शन नाउ। पिछले दिनों मुल्ला उमर ने बैतुल्ला महसूद को खारिज कर दिया अपनी सफों से, इसी बुनियाद के ऊपर। उससे पहले इन्होंने मुल्ला दादुल्ला को अपनी सफों से खारिज किया था। मुल्ला दादुल्ला और मुल्ला बैतुल्ला बुनियादी तौर पर तकफीरी पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले और सलफी मसलक के हैं। मतलब कहते हैं वो है कि दुश्मनी उनकी मगरिब के साथ है या अमेरिका के साथ है, जो भी, लेकिन लड़ाई पाकिस्तान की। ये तीन ग्रुप्स हैं जैसे हमने अर्ज किया, एक उज़्बक से, यानी अफगान तालिबान उज़्बकों को इनवाइट कर रहे हैं कि तुम अफगानिस्तान में आओ और अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ हमारे साथ मिलकर जिहाद करो, और वो पूरे के पूरे उज़्बक ग्रुप जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। इसके साथ ही बैतुल्ला महसूद का ग्रुप है, इसके साथ कुछ अरब है, इसके साथ मुल्ला दादुल्ला का ग्रुप था। मुल्ला दादुल्ला को अफगान तालिबान ने कत्ल किया, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मुल्ला दादुल्ला को अफगान तालिबान ने कत्ल किया, अमेरिकन्स ने नहीं किया। हालांकि अमेरिकियों ने कहा कि हमने किया, अमेरिकन्स क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसलिए वो मर गया, उन्होंने क्लेम कर लिया, लेकिन मुल्ला दादुल्ला को निकाल बाहर किया था, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। अब तालिबान ने अपनी सफों से इसलिए कि वो दहशतगर्दी पर उतर आया था जिहाद को तर्क करके, और उसने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करने का फतवा दिया था मुल्ला उमर ने। नाउ इज द टाइम, देखिए हम पहले ये बात कर चुके हैं, 1995 से 2001 तक तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में थी, उसका हमें क्या नुकसान था? लेट्स डू सम एनालिसिस, लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स गेट टू द ब्रास टैक्स जिसे कहते हैं। वहां पे पूरे अफगानिस्तान में ड्रग्स और पॉपीज का खात्मा किया था उन्होंने, देयर वर नो ड्रग्स एंड पॉपीज, वी डिड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम। पख्तूनिस्तान का कोई इशू नहीं था, ट्राइबल एरियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फसाद बर्पा नहीं हो रहा था, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कोई इंसर्जेंसी नहीं थी, ड्यूरेंट लाइन का कोई इशू नहीं खड़ा हुआ था। तालिबान आइडियोलॉजिकली ग्लोबल जिहादी नहीं था, तालिबान और लोकल अफगान जो सिर्फ अपने मुल्क को आजाद करा के अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, जिस तरह अफगान मुजाहिदीन ने 80s में रूसियों से जंग आजादी लड़ी थी, ये अमरीकियों से जंग आजादी लड़ी। तालिबान ने अपने हुदूद के बाहर अफगानिस्तान के बिल्कुल ऑपरेट नहीं किया, कभी ऑपरेट नहीं किया। अमेरिकन एंगेज कर रहे थे तालिबान को, यूनिकॉल की पाइपलाइन का केस था, इनको लेकर गए थे, एवरीबॉडी न्यू। अगर तालिबान दहशतगर्द होते तो अमेरिकन उसको क्यों एंगेज कर रहे थे? दे वर नॉट टेररिस्ट। हम लोगों ने जो सबसे बड़ी गलती की है जितना 2001-9/11 के बाद जो हमने अमेरिकन को साथ दिया, नंबर वन, हमने टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं किया। देखिए, दहशतगर्दी में और तहरीक जिहाद में, तहरीक रेजिस्टेंस में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हुआ ये कि वॉर ऑन टेरर के नाम पे फिर कश्मीरी जिहादी भी रगेड़े चले गए, इराकी रेजिस्टेंस भी गई, फिलिस्तीनी भी गए, एवरी चेचन भी गए, एवरी मुस्लिम रेजिस्टेंस इन अफगानिस्तान इन द वर्ल्ड उसको डिक्लेयर कर दिया दहशतगर्द, क्योंकि दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही वाज़े नहीं। उस वक्त हमें डेफिनेशन में कोई इतना टाइम ही नहीं था कि शायद कोई मतलब। जो अहम बात सोचने की, देखिए 2001 के बाद तो हम ब्लैकमेल हो गए, उस वक्त पूरी दुनिया की हमदर्दियां भी अमेरिका के साथ थी, अमेरिकन भी एक लाइक वाइल्ड बोल पूरी दुनिया में वो तबाही मचाता फिर रहा था। अब वो हालत नहीं है, पाकिस्तान इज इन अ मच डिफरेंट स्टेट, हमारा न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम अपनी जगह पे, आर्म फोर्सेस अपनी जगह पे, अमेरिकन बुरी तरह शिकस्त खा रहे हैं इराक में और अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जेन्युइन इशू खड़ा हो गया। और कितने जनरल इश्तियाक बेग आप शहीद करवाएंगे जिसके बाद आप ये फैसला करें कि नाउ इज द टाइम वी शुड डिच द अमेरिकन, हमें अमेरिकन को छोड़ देना चाहिए, अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए जो हमारी पॉलिसी है। ये अफगान तालिबान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान की तरफ, हमने जो तालिबान के साथ अब जो काबुल हुकूमत के साथ जिरगा किया था पिछले दिनों, उस जिरगे में ये डिसीजन लिया गया था, जिरगा अमेरिकन ने करवाया था, हमने उस जिरगे में फैसला किया था कि अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड लाया जाएगा और बात की जाएगी। क्यों फ्रीज हो गया ये क्यों फ्रीज कर दिया गया? पाकिस्तान शुड टेक दिस इनिशिएटिव, तालिबान को इन्वाइट करें इस्लामाबाद इनसे, क्योंकि देखिए तालिबान जब आपका साथ दे रहे हैं, तालिबान आपसे कह रहे हैं कि हमारी आपसे कोई जंग नहीं है, हमारी जंग सिर्फ अमेरिकन के साथ है और हमारी जंग इंडियन एलिमेंट्स के साथ है और हमारी जंग कि उन एलिमेंट्स के साथ है, इसराइली एलिमेंट्स के साथ है जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग खराब है कि इतने बड़े एसेट को छोड़कर हम खामखा ठीक है। पॉलिसी एक सवाल यहां पे एक सवाल कि अगर हम ये करें तो क्या ये नेसेसरीली एंटी अमेरिकन एक्ट होगी? यानी कि क्या हम ये नहीं कर सकते कि अगर हम ये करें और अमेरिकन को भी साथ कहें कि देखिए ये
ہمارے فائدے میں تو ہے ہی, آپ کے فائدے میں بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ہماری سٹرنتھ آف ڈپلومیسی ہے کہ ہم امریکنز کو یہ سیل کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم افغانستان میں ہم نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. نیوٹرلٹی کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم امریکنز کا ساتھ دیں گے نہ ہم طالبان کا ساتھ دیں گے. امریکنز جانے طالبان جانے. اینڈ بیکاز نیوٹرلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امریکنز کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ہم طالبان کو بھی سپورٹ دیں. دس از نیوٹرلٹی. یا تو ہم دونوں کو سپورٹ کریں یا دونوں کو نہ کریں. نیوٹرلٹی یہ نہیں ہے کہ ہم کارزائی حکومت کا ساتھ دیں, امریکنز کا ساتھ دیں اور طالبان کو قتل کریں اور اس کے بعد وہ تمام ایلیمنٹس جو پاکستان میں جن کو انڈین اور اسرائیلی اور کارزائی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان میں بغاوت برپا کرانے کے لیے, ہم ان کے خلاف جنگ کریں. دس از نان سینسیکل پالیسی. سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن اباؤٹ دس. اگر ہم تھوڑی سی کامن سینس استعمال کریں نا تو وی کین انڈرسٹینڈ دس. دیکھیے جو یہ C4 پلاسٹک ایکسپلوسو استعمال کر رہے ہیں یہ پاکستان میں, پاکستان سے نہیں دیا جا رہا ہے ان کو, نہ یہ ٹرائبل ایریاز میں بنتا ہے. دس از اے سوفسٹیکیٹڈ کیمیکل جو کہ ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ ایکسپلوسو فیکٹریز میں بنایا جاتا ہے. جو یہ ریموٹ کنٹرول ڈیٹونیشن ڈیوائسز بنا رہا ہے یہ ٹرائبل ایریا میں نہیں فارم کی جا رہی ہے, یہ کوئی سپلائی کر رہا ہے. جو کمیونیکیشن اکوپمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں, جو اربوں روپیہ ان کو پیچھے سے دیا جا رہا ہے, ویڈیوز اویلیبل ہیں, ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں, جو چیزیں ان لوگوں کے پاس سے نکل رہی ہیں, ان کا اوریجن کہیں انڈیا سے آ رہا ہے, کبھی اس کا اوریجن رشیا سے ہے, کبھی اس کا اوریجن امریکنز کے ساتھ ہے, کبھی یعنی all these equipment that you are recovering from پاکستان سے نہیں ہے. پاکستان کا اوریجن ہے ہی نہیں کسی چیز کا. تو میں بڑا واضح کر رہا ہوں, دیکھیے ہماری سیاسی جماعتیں, ہمارا میڈیا ہوسٹیج ہوا ہوا ہے اس وقت بیت اللہ محسود کا. لوگ خوف کے مارے اس کے خلاف بات نہیں کرتے کہ یہ سوسائڈ بامبنگ کر کے قتل کروا دیتا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں ہمیں بھی رسک ہوگا, لیکن یہ بات ناؤ ہیز ٹو بی سیڈ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ کہ جنرل اشتیاق جیسے ہیرے ہمارے اس قوم کے مزید ضائع ہوں اس حماقت کی وجہ سے جو ہم فورن پالیسی کے نام پر کر رہے ہیں وہاں پہ. انف. بیت اللہ محسود از اے زائنسٹ اسرائیلی انڈین ایسٹ. میک اے ڈسٹنکشن. طالبان مجاہدین ہیں جو افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں. جتنے بھی نچلے کیڈرے کے لوگ ہیں ان کے اپنے خیال میں بڑے پرخلوص لوگ ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ قیادت ہائی جیک کی جاتی ہے, قیادت اغوا کی جاتی ہے, قیادت خریدی بیچی جاتی ہے. نیچے والوں کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. ان بیوقوفوں کو تو سچ ہو, دیکھیے آپ جب کوئی انسان خود کو حملہ کرتا ہے تو وہ جینونلی بلیو کر رہا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. وہ جنونلی جنازے پہ جا کے حملہ کر رہا ہے, جنونلی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں, اس لیے کہ اس کو آئیڈیولوجیکلی اتنا موٹیویٹ کر دیا گیا ہے. حالانکہ ان کا جو لوگ ان کی قید سے رہا ہو کر آئے ہیں, اگر آپ ان کے انٹرویوز کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں ہماری نماز معاف ہے. یعنی اس حد تک ان کو دماغ ان کا خراب کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کو ناشتہ نہیں کرتے یہ صبح کہ یہ ناشتہ ہم جنت میں جا کے کریں گے, ہم نے سوسائڈ بامبنگ کر دی. طالبان مالاکن نے عمران خان پر اعتماد کا اعلان ایک آڈیو پیغام میں کیا جو سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحم اللہ یوسف زئی کو موصول ہوا. عمران خان کو ایک محب وطن اور مخلص پاکستانی, اچھا انسان اور مسلمان دوست سیاستدان قرار دیتے ہیں, اور مالاکن ڈویژن میں امن کے قیام کے لیے ان کی ثالثی کی پیشکش قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں. پاکستانی فوج کو کسی صورت نہ وہاں بھجوائیں. وہاں اگر ہماری یہ لڑائی چھڑ گئی اپنی قبائلیوں کے ساتھ تو آپ پھر ہندوستان وغیرہ بھول جائیں, یہ ساری فوج ساری زندگی وہیں پھنسی رہے گی.
आप असल में तालिबान की फतेह को तस्लीम नहीं करते, आप अमरीकी होते हैं जिसका तालिबान तो एक वजूद है, उसने अपने आप को बनवाया है। हमने 50 लाख लोगों को घर से बेघर किया है, सवात और बुनेर के, वजीरिस्तान के, पूरे शुमाल मगरबी सूबे में आपने लाखों फर्जंदान तौहीद को उनसे उनका मुस्तकबिल छीन लिया है। लिहाजा कियानी साहब, बंदूकें हटा लीजिए, आपकी बंदूकें पाकिस्तानियों के मुकाबले में सरनिगुण हो चुकी हैं, नाकाम हो चुकी हैं। हमारी बंदूकें हमारे सीने से हटाई जाए, हमारे सामने न लहराई जाए, हमको कमजोर समझकर, हमको नहिंता जानकर फौजी ऑपरेशन के नाम पर अमरीका के एजेंडे को पूरा करने की जितनी कोशिशें हैं उससे बाहर आया जाए। देखिए, जो ये आप खबरें सुनते हैं गले काटने और ये लड़कियों के स्कूल को बर्बाद करने पे, सबसे पहले तो हमारी अपनी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये बार बार लोगों को ये बताते हैं कि ये हमारी जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा झूठ तो ये है। तो एक तो ये झूठ बोलते हैं, दूसरा फिर कि ये इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तालिबानाइजेशन हो जाएगी पाकिस्तान में, लोगों को खौफ दिलवाते हैं, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं। स्वात में हालात बदस्तूर खराब हैं और इन इलाकों में गर्ल्स स्कूल्स को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद आलम इस रिपोर्ट में। जिला सवात में जारी कशीदगी में 2008 के दौरान अस्कर पसंदों ने 180 से जायद स्कूलों को नजरियात शिया धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से 40,000 से जायद बच्चियां जेवर तालीम से महरूम हो गई है और हुकूमत को भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ मस्जिद में लड़कियों के, और ज्यादातर लोग बेघर हो गए ना, उनके माँ बाप भी चढ़ गए, उनसे बहन भाई भी चढ़ गए हैं, और हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने दीजिए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन ये लोग क्यों हमें नहीं छोड़ते पढ़ने के लिए? इन्होंने स्कूल, बहुत से स्कूल चलाए, बहुत से बच्चे जख्मी हो गए, कुछ घर छोड़ के चले गए, कुछ स्कूल छोड़ के चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। सवात के शिकी में दीगर सरकारी इमारत को भी निशाना बनाया गया है, जबकि सबसे ज्यादा गर्ल स्कूल मुतासिर हुए हैं। स्कूलों को निशाना बनाने के वाकयात के पेश नजर ज्यादातर लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, जबकि हुकूमत की तरफ से लड़कियों को स्कूलों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए, और अब शिद्दत पसंदों ने लड़कियों को 15 जनवरी तक स्कूल छोड़ने की धमकी दी है, जिसकी वजह से सवात के लड़कियां जमाना कदीम की तरफ गामजन है और इनका मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। सवात के शिरकी में शिद्दत पसंदों ने सबसे ज्यादा नुकसान गर्ल स्कूलों को पहुंचाया है, जिसकी वजह से 1,00,000 से ज्यादा हवा की बेटियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। शहजाद आलम, AY1 वर्ल्ड, सवात। तो क्या आप नहीं समझते कि दूसरी तरफ वो तालिबान जो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं, उनको भी कुछ चेंज होने की जरूरत है? देखिए, जो ये आप खबरें सुनते हैं गले काटने और ये लड़कियों के स्कूल को बर्बाद करने पे, सबसे पहले तो हमारी अपनी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये बार बार लोगों को ये बताते हैं कि ये हमारी जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा झूठ तो ये है। तो एक तो ये झूठ बोलते हैं, दूसरा फिर कि ये इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तालिबानाइजेशन हो जाएगी पाकिस्तान में, लोगों को खौफ दिलवाते हैं, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं। पाकिस्तानी तालिबान है, मेरे बस में होता है तो वो भी स्टेक होल्डर है एक खास खित्ते के, एक खास रीजन के, मेरे बस में होता तो जरूर उनको मैं दूर करता और मुझे कोई डर ना लगता,
दुनिया से यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, हो सकता है हुकूमत में जो लोग होते हैं उनकी क्या कंपल्शन है क्या प्रेशर है, लेकिन कोई बुराई नहीं है। और अगर आप पहले मरले पर तालिबान को बुलाने की पोजीशन में नहीं है तो पाकिस्तानी तालिबान है, आप अपनी पार्टी के लिए मुताबा करते हैं उनको बुलाया गया, इस पर सोच विचार हो तो इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आप देखें मियां नवाज शरीफ साहब का बयान जो आज या कल छपा जिसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान को पाकिस्तानी तालिबान से खतरा नहीं है, वैसे फैसला हो चुका है और फैसला ये था कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है। इस्लामिक हम ये समझते हैं कि उनसे बात हो सकती है, उनसे गुफ्तगू हो सकती है। Pakistan Punjab's Chief Minister Shahbaz Sharif's statement pleading Taliban to stop attacks in Punjab has created furor across the country. Uchi ek namurad janail ke indhai galat damad ki wajah se isne janm liya Taliban ka ye unka nukta nazar hai aur stand hai ki hum aghyar ki jo Pakistan ke upar tasallut और डिक्टेशन हम उसके खिलाफ सब आ रहा है, तो अगर ये उनका नुक्ता नजर है, अगर ये उनकी मंतक है तो फिर तो उनको पंजाब में ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। तालिबान का अगर ये मौकफ है तो फिर क्या वजह है कि फिर वो इस मौकफ को जिस पार्टी ने अपनाया है उनके खिलाफ वो सब आ रहा है? ये सवाल मैं समझता हूँ कि हमें जहन में बिल्कुल उजागर करना चाहिए उसका। एक मिस्टर शरीफ्स अपील हैज थ्री नेगेटिव इम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान। First, by referring to a common cause, the Chief Minister has openly revealed a shared agenda with Taliban. That a political party can be one with Taliban in cause is a sign of political terror that goes way beyond militancy. Secondly, by requesting Taliban not to attack his province, he has sent out a clear word of provincialism in a time when the entire nation is under attack from the militants. Does Mr. Sharif consider only Punjab as Pakistan? Is the question that already has found an answer in his statement. And finally, begging Taliban for mercy is an act of humiliating our security forces and civilians who are up against the insurgents in this war of terror. मेरे भाई मैं फिलहाल तो तजिया करने की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि इस वक्त मैं बनू में हूँ और आज मैंने सारा दिन शुमाली वजीरिस्तान में गुजारा है और मैं काफी परेशान हूँ वापस आके। अब मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस आऊंगा तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि वी हैव लॉस्ट दिस टेरिटरी। इधर तो कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, जो पाकिस्तान का नाम लेता है उसको ये गोली मार देते हैं। तो वी हैव आई थिंक लॉस्ट, हम ये इलाका खो चुके हैं। और काफी धमाके धमके हो रहे हैं चले, अभी तो कुछ और थी कुछ होंगे, अभी लाइन में लगे हुए थे। तो अभी ये क्या कहते हैं औरंगजेब का ऑपरेशन इन्होंने बंद करना या नहीं? नहीं वो कहते हैं जी बंद नहीं करना, तो हम शुमाली वजीरिस्तान में चढ़ाई करेंगे और 40,000 फौज जो है वो रवाना हो जाएगी एक दो दिन। अच्छा, शुमाली वजीरिस्तान के लिए। ये एक मिसपरसेप्शन, ये एक डिस इन्फॉर्मेशन और हम बल्कि कहेंगे कि ये झूठ तालिबान की तरफ से फैलाया जाता है कि इनका इंडिया से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। और ये बात कंफर्म हो चुकी है, सवात को हमने जब कैप्चर किया है तो सवात में हमने तमाम वो अफराद भी मारे हैं कि जो मुसलमान ही नहीं थे। हमने वहां पे उनके मोर्चों से वॉडकाज और रेड वाइन की बॉटल्स पकड़ी हैं, वहां पर वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट निकला है, वो आला जंग निकले, हालात जंग निकले हैं कि जो किसी तरह भी बगैर फॉरेन फंडिंग के नहीं वहां पहुंच सकते थे। दूसरी बात ये कि अमेरिकन जो कि क्लेम करते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स और ड्रोन्स इनके पास हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इनके पास है, वो हर चीज डिटेक्ट कर लेते हैं कि अगर वायरलेस टेलीफोनिक पे कन्वर्सेशन की जाती है, तो तमाम तालिबान लीडरशिप और बैतुल्ला महसूद और वो तमुल्ला फजलुल्ला और ये सारे लोग सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करते हैं जिनकी अमेरिकन सिम्स हैं। ये बातें सारी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इस वक्त कौम को, इसके मीडिया को, इसके सियासतदानों को, इन सबको पूरी कुव्वत के साथ फौज को बैक करना है, फौज को सपोर्ट करना है। ये कहना कि फौज अपने लोगों को मार रही है, ये कहना कि फौज जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये सारी खुराफात बंद करें। अब सारे फैसले हो चुके हैं, हर किस्म की हुज्जत तमाम हो चुकी है और अब हमने अपनी फौज को खुद कहा है जाके इस कैंसर को हमारे वजूद से खारिज करें और उसमें जो हमारे शहदा हैं इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको इज्जत दें, इनको मेडल्स दें।
और सबसे बढ़कर इज्जत, अगर अपने शहीदों को अपने जवानों को इज्जत नहीं देते फिर किसे देंगे? तो फिर वो फौज किस किसके लिए लड़ेगी? फिर वो फौजें अकेली नहीं लड़ती, कौम के तावन से लड़ती हैं। बिल्कुल। और फिर देखिए यहाँ पे एक भारी कीमत है जो कौम को अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह जलजला आया था उसमें लाखों लोग बेघर हुए थे, तकलीफ हुई थी, चोट लगी थी, लेकिन अल्लाह ने हमें हौसला दिया, और हमने मिलकर किया। बिल्कुल। जितने जलजले में लोग बेघर हुए थे उसका एक अशरे अशीर, बहुत थोड़ी तादाद में लोग अब इस हंगामे और इस लड़ाई के नतीजे में बेघर हो रहे हैं। पूरी कौम इनको संभाल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी कौम को भी इकट्ठे होना, इन महाजरीन को, इन रिफ्यूजीज को जो इन इलाकों से निकल कर आ रहे हैं, इनके लिए सप्लाईज, इनका खाना पीना, इनकी जिम्मेदारी संभालिए, कफालत कीजिए इनकी। हमारी कौम का हिस्सा, हमारे वजूद का हिस्सा है ये, इनका हमने ध्यान करना है। और हुकूमत का भी ये काम है कि देखिए इन्होंने फंड बनाया चीफ मिनिस्टर की सरबराही में, चीफ मिनिस्टर की निगरानी में, ये गलत फैसला है। एएनपी की हुकूमत करप्शन के लिए मशहूर है, लोग एतबार नहीं करेंगे उनके ऊपर। ये फंड बनना चाहिए था या फौज की क्यादत में, या गवर्नर की क्यादत में, या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल में, जो न्यूट्रल बॉडी होती। सियासतदानों का किरदार तारीख रहा है इस किस्म के सारे मामलों में। ये फंड खयानत में खा भी जाते हैं और अपनी मर्जी के और सियासत में फिर उसको इस्तेमाल और तकसीम करते हैं। इस किस्म के मामलों में न्यूट्रल लोगों को सामने आना चाहिए। ईडी साहब सामने आए, वो लोग सामने आए कि जो रिलीफ एनजीओ है, इस हुकूमत पे एतबार नहीं है लोगों को, और इन लोगों को अपनी असलियत समझ लेनी चाहिए। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन लोगों की, खासतौर पर अवामी नेशनल पार्टी की। लिहाजा लेकिन कौम से हम कहेंगे दिस इज द टाइम टू गेट टूगेदर, दिस इज द टाइम टू यूनाइट। इसमें हमने, लेकिन अमेरिकन ये ना समझे, एक बात हम बिल्कुल वाजे कर देते हैं, अमेरिकन बड़ी खुशियां मना रहे हैं इस बात पर, अफगान और इंडियन, कि पाकिस्तान ने सवात में कार्रवाई शुरू कर दी है और इंटरनली एक जंग का माहौल पैदा हो गया। ये बात हम इनको बता दें कि हम अच्छी तरह, पाकिस्तान फर्क करता है पाकिस्तानी दहशतगर्दों तालिबान में और अफगान तालिबान में। अफगान तालिबान, गुलबदीन हिकमतयार, मुल्ला उमर, जलालुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत जो मर्जी बात कहती रहे, पाकिस्तानी कौम उनको दुश्मन तसव्वुर नहीं करती। अमेरिकन उनको दुश्मन तसव्वुर करते हैं, अफगान इंडियंस उनको दुश्मन तसव्वुर करते हैं, हम नहीं करते। और उन लोगों ने ना पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है कभी, और वो रोकते हैं इन दहशतगर्दों को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग ना करो। अब वक्त आ गया है कि हम डिसाइसिवली उन तमाम लोगों से रابطे कायम करें कि जो नेटो और अमेरिकन और इंडियन एसेट्स इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। हमें गुलबदीन हिकमतयार से भी रابطा करना चाहिए, हक्कानी से भी, और मुल्ला उमर से भी। और पाकिस्तान एक मॉडरेट न्यूट्रल ताकत के तौर पर अफगानिस्तान में वी शुड डिक्लेयर न्यूट्रलिटी, कंप्लीट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि ना हम अफगान रेजिस्टेंस को सपोर्ट करेंगे, ना अमेरिकन को सपोर्ट करेंगे, ना उनकी सप्लाईज जाएंगी, ना अमेरिकन की सप्लाईज जाएंगी। ये अमेरिकन ने जंग हमसे पूछ के नहीं शुरू की थी, हम पर मुसल्लत किए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम अमेरिकन सप्लाईज का हम जिम्मेदार बने। बिल्कुल। और अपने हुक्मरानों से हम ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है अमरीका से और यूरोप से, मगरब से भीख मांगने की, कि जो महाजिर निकल कर आए अफगान हमारे इलाकों से, सवाद से, उनके लिए हम बाहर से मदद लेकर, बाहर से पैसे मांगे। भीख मांगने का कल्चर बंद कीजिए, हम काफी हैं, अल्लाह के फजल से हम खुद हैंडल कर लेंगे इसको। अपनी सारी इज्जत बेशर्मी बेगैरती से तबाह बर्बाद करवा लेते हैं कि जब हर लमहे इनका हाथ खुला होता है आगे भीख मांगने के लिए। वो फिर अपनी डिमांड्स तभी, अपनी सारी गुफ्तगू के आखिर में एक जुमला इनका होता है, हमें इमदाद दीजिए। एग्जैक्टली। कोई इज्जत, कोई गैरत, कोई शर्म इन लोगों के बयान आते ही आ रहे हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा इशू क्राइसिस बर्पा नहीं हो गया कि जिसके लिए हमें बाहर से इमदाद लेनी पड़े, हम खुद हैंडल कर सकते हैं और खुद मैनेज कर सकते हैं। अगर इन लोगों में इतनी गैरत नहीं है कि कौम की क्यादत कर सकें और सिर्फ बेइज्जत करना इनकी जिम्मेदारी है, तो जगह छोड़ दें, अल्लाह ताला किसी और को ले आएगा जो ज्यादा बेहतर काम कर सकेगी इनकी जगह। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली अल्लाह के फजल से सूरत हाल बिल्कुल काबू में है। ये डिसाइसिव वॉर है जो होनी है, इसमें नुकसान होगा, चोट लगेगी, सवात वैली टूटेगी, लेकिन हम रिबिल्ड कर लेंगे। रियाती फसाद कैंसर यहाँ फैल गया है, इसको निकालना अब जरूरी हो गया है। फौज को कंडेम करना बंद करें, सपोर्ट करें। इस वक्त फौज के खिलाफ बात करना गद्दारी तसव्वुर की जाएगी। हम पूरी कुव्वत के साथ इस वक्त अपनी फौज को सपोर्ट करेंगे, उन जवानों को, उन शोहदा को जो वादी वादी फिरकर इस कैंसर को हमारे वजूद से निकाल रहे हैं। लिहाजा ये वक्त पूरी कौम के मुत्तहिद होने का, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी कोशिश की गई थी इस डील को संभालने की और बचाने की। दूसरी बात, इस डील के टूटने का मतलब ये नहीं है कि सवाद से निजामे अदल ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। निजामे अदल ऑर्डिनेंस अपनी जगह पे कायम है, और शरीयत का निजाम है, बेहतर निजाम है, सवाद के लोगों के डिमांड पर है और पाकिस्तानी कौम के जज्बात की नुमाइंदगी करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीयत से जुल्म नहीं होता वहां पे, शरीयत से इंसाफ नाफिज होता है। अगर शरीयत को सही तरह नाफिज किया जाए तो फिर ये उससे ज्यादा बेनोवलेंट और मोहब्बत और प्यार करने वाला निजाम कोई नहीं है। जिस तरह लोग नाफिज करेंगे उस तरह शरीयत की शक्ल सामने आएगी। शरीयत अगर हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नाफिज की जाए तो मोहब्बत और प्यार का दर्स है, अगर बैतुल्लाह और फजुल्लाह के तहत नाफिज की जाए तो शरीयत तब्दील होकर दहशतगर्दी बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक दफा इन तालिबान की दहशतगर्दी खत्म हो तो फिर हम दूसरे ट्राइबल एरियाज पर भी फोकस करना पड़ेगा। साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्ला महसूद अभी तक जिंदा है,
उसको भी एलिमिनेट करना जरूरी है। बहुत से एलिमेंट बलूचिस्तान में है जिनको एलिमिनेट करना है, बहुत से एलिमेंट कराची में बैठे हुए हैं जिनके सर उड़ाने। ये फसाद हर जगह है इस मुल्क में, वी नो दिस, लेकिन फोकस एक एक करके कौम को मुत्तहिद होना है और यूनाइटेड रहना है। अल्लाह के फजल से कोई हालात आपे से बाहर नहीं हो रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हम खुद इस काबिल हैं कि अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सके। अपनी प्रायोरिटीज अब हमें खुद तय करनी है। अगर नेशनल असेंबली, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अमेरिका के आगे स्टैंड नहीं ले सकते हैं, तो हम फिर कह रहे हैं जगह खाली कर दें, क्योंकि अब अमेरिका के साथ हमने रीनिगोशिएट करना है। हमारी शराइत बहुत वाजे हैं, पाकिस्तान में फसाद फैलाना बंद करो, और पाकिस्तान फैलाने के जो तमाम फसाद फैलाने के जो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, अगर उन एसेट्स को ये खत्म नहीं कर सकते तो फिर हम खत्म करेंगे। उनकी सप्लाई लाइन रोकी जाएगी, और फिर अगर अमेरिका ने हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनी, फिर हम उनके साथ वो हशर करेंगे जो हमने सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में किया था। हमारे पास भी सलाहियत है, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी कमजोरी ना समझेंगे उसको। एनफ, हमने बहुत नुकसान उठा लिया मुल्क में इनकी हर शरायत हर शर्त मानकर। इस टाइम कि हमारी हुकूमत हमारी फौज अपनी शरायत पर इनसे बात करे। अमेरिकन इकॉनमी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है पीछे, अमेरिकन एक एक्सपेंसिव वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में जो मार खाई है, इसके नतीजे में इनकी कमर तोड़ के रख दी गई है। अब ये इस काबिल नहीं है कि हमसे आंखों में आंखें डाल के बात करें, ये सिर्फ हमारी कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे इस वक्त तो ये हम पर सवारी करते रहेंगे, अगर हम स्टैंड लेंगे फिर ये हमारी शरायत पे आएंगे। इस कौम के हुक्मरानों को होश में आना चाहिए, बहुत ज्यादा गलतियां हो चुकी हैं। इस वक्त कौम को भी, मीडिया को भी, फौज को भी और हुक्मरानों को भी एक फोकस होकर एक मकसद के तहत इस कौम की इज्जत और आबरू के दिफा पर सामने आना है। वक्त आ गया कि हम हिंदुस्तान से भी अपने फैसले चुकाएंगे। तहरीके तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान के अंदर फसाद बरपा जो इंडिया ने कराया है, जो इस पाकिस्तान उन्होंने तोड़ा है, अब वक्त आ गया कि हम इसका हिसाब चुकाएंगे। वो शिकायत नहीं कर सकते हमको अगर हम इंडिया को तोड़ के श्रीलंका के साइज का करते हैं थोड़ा सा। तो हमारी पार्लियामेंट को भी डिलीवर करना है, हमारे मीडिया को भी डिलीवर करना है, हमारी आर्म फोर्सेस को भी डिलीवर करना है। इस वक्त हमारी आर्म फोर्सेस ऑन ग्राउंड एंगेज है उनके साथ, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। हम तालिबान को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप उनको एयर टाइम मत दीजिए, उनको प्रमोट मत कीजिए, उनके थ्रेट को एग्जैजरेट करके मत प्रेजेंट कीजिए ताकि कौम मायूसी में चली जाए। दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन डू, और ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि मीडिया हमारे पास है। अगर दुश्मन ये बात करे तो हमें समझ में आती है। जब हमारा मीडिया अपनी जहालत में ऐसी बातें करने लगे कि पूरी कौम को डिप्रेशन का शिकार हो गए, डिप्रेशन में डाल दिया। आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास मरीजों की तादाद बढ़ गई है, और सब आके कहते हैं कि मीडिया देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। बिल्कुल सही सर। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि कौम के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? डोंट दे रियलाइज किसका मीडिया है? दुश्मन का मीडिया, हमारा मीडिया। ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, ये फिफ्थ कॉलम ऑफ द एनिमीज है। इनको होश में आना पड़ेगा। कोई खतरा इतना बड़ा नहीं है जितना ये प्रोजेक्ट करके बना रहा है। सवाद का वीडियो चला दिया कि लड़की पे कोड़े पड़ने, बाद में कहते गलती हो गई, फेक वीडियो। और पूरे कई घंटे यही नहीं पता चलता कि रीजन क्या है। पूरी कौम पागल होती रही क्या हो रहा है। वी आर अ मुस्लिम नेशन, न्यूक्लियर पावर्ड, 170 मिलियन। वी आर नॉट इराक, वी आर नॉट अफगानिस्तान, वी आर रूथलेस एंड वी फाइट बैक, बट वी वांट टू लिव विद डिग्निटी, बट व्हेन द टाइम कम्स वी विल डाई विद ऑनर। दैट अमेरिकन शुड अंडरस्टैंड। हुक्मरानों को अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि राइटिंग इज ऑन द वॉल। अब पूरा खेल दुश्मनों का खुल चुका है और हुक्मरानों का रोल उसमें नजर आ रहा है कि क्या है। या तो वो दुश्मनों का साथ दें या कौम का साथ दें। अगर वो कौम का साथ नहीं देंगे फिर हम वही बात दोबारा कहते हैं कि उस वक्त से डरे कि जब इस्लामाबाद के खंभों पे लटके हुए होंगे। और अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो परवाह नहीं करता कि आज उनके आगे कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कितने सिक्योरिटी गार्ड उनके आगे और पीछे। बड़े बड़े बादशाह उनसे पहले भी बड़ी बड़ी सजाएं पा चुके हैं और ये उनसे बड़े नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह की इमानत है, अल्लाह के राजों में से एक राज है। एक शानदार अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के सामने अल्लाह ने इस वक्त दी हुई है। इस अपॉर्चुनिटी को बहसियत कौम हम जाया नहीं कर सकते इस वक्त। वी नीड टू एक्ट, वी नीड टू डिलीवर। और खास तौर पे वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, खुल के मीडिया अमेरिकन और इसराइली और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की शह पे ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान को अलग करने के लिए। अल्लाह से डरें, क्योंकि उनके नाम हम भी नोट कर रहे हैं। उस वक्त से डरें कि जब पाकिस्तानी पेट्रियट्स और नेशनलिस्ट काउंटर अटैक करेंगे, ये जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे पाकिस्तान पहले टूटता है या इनकी गर्दनें उतारी जाती हैं। हम क्लियर वार्निंग दे रहे हैं, खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ मत बात करो। वी हैव सीन यू इनफ।
बहुत हो चुका है ये 60 साल में मजाक तुम्हारा, कभी पख्तूनिस्तान कभी बलूचिस्तान आजाद। ये पाकिस्तान का एक मरकज है, उम्मत मुस्लिमा की आबरू है। हमारी लाशों के ऊपर से तुम पहुंचोगे इस पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने के लिए। बाय गॉड, हम 17 करोड़ लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं। बिल्कुल। तुम चंद सौ अपनी इज्जत और आबरू बेच भी चुके हो दुश्मनों के हाथों, इंशाल्लाह तुम रोन दिए जाओगे। ये अल्लाह का फैसला है, हम सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे इसको इंशाल्लाह। फिक्र ना कीजिए, पाकिस्तान अल्लाह के फजल और करम से आफियत में, घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला रखें। अगर आप मायूस हो गए तो दुश्मन का प्रोपेगेंडा जीत गया, मायूस मत होइए, इस पैगाम को फैलाइए, हाथों में हाथ दें। एक कौम की हैसियत से एक मजबूत होकर मुनज्जम होकर हमने इस थ्रेट का मुकाबला करना है। थ्रेट्स हैं लेकिन जिंदा कौमों को ही थ्रेट्स आते हैं, और गैरतमंद कौम ही फिर उसमें से अपना रास्ता निकाल के अपना उरूज हासिल करती है। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बना और कायम रहेगा, हौसला। हम वाजे कर चुके हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, आने वाले वक्त में मुश्किलात हैं, आजमाइशें होंगी, लेकिन इस जिंदा कौमें दलेर कौमें इन आजमाइशों इन नुकसानात को बर्दाश्त करती हैं और उससे हम सीखते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी सफों में मौजूद है, इसको हल करना है। घबराइए मत और इकट्ठे रहिए, अल्लाह खैर करने वाला है इंशाल्लाह।